धीरेन्द्र शास्त्री बाबा बागेश्वर धाम नए विवादों में घिर गए हैं। कथा वाचन करते करते उनकी जुबान से कुछ ऐसे विवादित बोल निकल गए कि जिनको लेकर मुस्लिम समुदाय में रोष की लहर दौड़ गई। उन्होंने क्या कहा पहले आपको वो सुनाते हैं। बोलना है हमें आपकी समस्या का प्रदर्शन नहीं करना है, बिल्कुल ना बोले, हमें बता दें हम आपके साथ हैं क्योंकि हमें समाधान देना है। माइक पे हम इसलिए बोलते हैं, टीवी पर इसलिए बोलते हैं कि दुनिया को पता लगे अपने बजरंगबली भी अली से अली के बाप हैं। हाँ, सौ की सीधी बात है, हमारा तो साफ कहना है, जो ये चादर चढ़ाने हिंदू जाते हैं, जो हलीउल्लाह के चक्कर में पड़ते हैं, अरे वो तो अब हम क्या कह दें, हलवा नहीं है, हलवा। हाँ, हम अभिमान में नहीं, हम हनुमान जी के चरणों के स्वाभिमान में कह रहे, दुनिया के किसी भी मजहब का धर्म गुरु हलीउल्लाह वाला हमारा सामना कर दे, पेंट गीली ना कर दे तो कहना। धीरेन्द्र शास्त्री के विवादित बयान के बाद लोगों ने उनकी कड़ी निंदा करना शुरू कर दिया है। हजरत अली अलैहिस्सलाम को लेके जो आज बाबा बागेश्वर धाम का बयान आया है, मैं इस बयान की भरपूर तरीके से मजम्मत करता हूँ। हजरत अली अलैहिस्सलाम वो हैं कि जो इनको शिया हजरात पहला इमाम मानते हैं, अहले सुन्नत हजरात चौथा खलीफा मानते हैं, तरीकत वाले पीरे तरीकत मानते हैं, यानी हजरत अली अलैहिस्सलाम के बगैर न शिया शिया रह सकता है, न सुन्नी सुन्नी रह सकता है, न तरीकत वाला अपने सिलसिले तरीकत पर बाकी रह सकता है। मगर बहुत अफसोस की बात है कि जो बागेश्वर धाम का बयान आया है उसकी मैं भरपूर तरीके से ऑल इंडिया शिया परसदा बोर्ड के हवाले से मजम्मत करता हूं, और मैं अपील करता हूं इस तरीके के लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त FIR होना चाहिए है, ताकि कोई इस तरीके की आगे हरकत ना कर सके, क्योंकि हजरत अली अलैहिस्सलाम से बढ़ के कायनात में न कोई बना है न कोई बनेगा। फकत वस्सलाम। इतना ही नहीं, हजरत अली को इमाम अव्वल मानने वाले शिया समुदाय के लोग धीरेन्द्र शास्त्री बाबा बागेश्वर धाम के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए लखनऊ में जमा हुए तो उन्हें पगंडी ठहराने लगे। धीरेन्द्र शास्त्री जो है, जो पाखंडी है, जिसके लिए खुश हमारे हिंदू धर्म के बड़े बड़े धर्म गुरुओं ने कहा है कि ये पाखंडी है, उसने हजरत अली अलैहिस्सलाम के सिलसिले में गुस्ताखी की है और नाजेमा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। मैं समझता हूँ कि इससे शिया समुदाय को नहीं, मुस्लिम समुदाय को नहीं, बल्कि हमारे हिंदू समुदाय को भी बहुत ठेस पहुँची है, उनकी आस्था को ठेस पहुँची है। हमारे मुरारी बापू जैसे व्यक्ति के जो हिंदुस्तान के एक सर्वमान्य धर्मगुरु हैं, जो तमाम हिंदू उनके पर आस्था रखते हैं और उनसे श्रद्धा, वो जब अपने प्रवचन को शुरू करते हैं तो वो अली अली मौला से शुरू करते हैं, चाहे रवि रवि कृष्ण हो। तो ये मुसलमानों का मैटर नहीं है, शियों का मैटर नहीं है, बल्कि ये हमारे हिंदू भाइयों का भी मैटर है, ठीक है। उनकी उसने तौहीन की है, लिहाजा हम यहाँ आए थे और हमने आके यहाँ गुजारिश की है कि मुकदमे, तो मैं पेन ड्राइव में वो बयान भी उसका लेके आया था, तो उसका एक बयान कोई टूटा फूटा चल रहा है, कहा गया माफ़ी मांग ली, लेकिन दोनों बयानों में कोई समानता नहीं है, जो गुमराह करने वाला उसका बयान है। तो मैंने बयान दे दिया है और मैंने एप्लीकेशन दी है, हमको आश्वस्त दिया गया है कि हम इसकी जाँच करके कार्रवाई करेंगे, अगर मुकदमा नहीं लिखा जाता है तो फिर आगे के रास्ते हमारे पास खुले हुए हैं, और फिर हम जो हैं जो आज रिसीविंग है उसको लेके अदालत तक भी जाएंगे, अदालत का दावा। और एक बात आपसे और कहता चलूं इन कैमरे और माइक के ऊपर, कि धीरेन्द्र शास्त्री ने धर्म गुरुओं को हमारे चैलेंज किया है, हमारे धर्म का अलियन वलीउल्ला कहने वाला एक बच्चा 12 साल का, वो धीरेन्द्र शास्त्री को चैलेंज करता है कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री उसके 5 सवालों का जवाब नहीं दे सकते, वो उसकी बाबागिरी ख़त्म करवा देगा। 5 सवाल का जवाब धीरेन्द्र शास्त्री नहीं दे सकते, धर्मगुरु बहुत ऊपर हैं, 12 साल का बच्चा हमारा जो है वो चैलेंज कर रहा है कि हमारे 5 सवालों का जवाब दे के दिखा दे, ठीक। हजरत अली को लेकर दिए गए इस बयान के बाद जब धीरेन्द्र शास्त्री बाबा बागेश्वर धाम को अंदाजा हुआ कि लोग उनके इस बयान से बेहद नाराज हैं और अब उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मन बना रहे हैं, तब उन्होंने गुलाटी मारते हुए सफाई देना शुरू कर दिया।
उन्होंने कहा कि उनका किसी धार्मिक भावनाएं हाथ करने का मतलब नहीं था, वे क्षमा याचना करते हैं। हालांकि उन्होंने ऐसा बोलने के पीछे एक दिन की कहानी भी सुना दी, जो उनकी सभा में आ गया था और अपना नाम अली बता रहा था। ये जो मौला अली वाली चर्चा है, ये दरबार में कोई जिन्न आया था, उसने उस जिन्न ने कहा कि मेरा नाम अली है, तो हमने कह दिया कि अगर तुम्हारा नाम अली है तो हमारे पास बजरंग बली है। इस बात को मौला अली से जोड़ दिया, जो सरासर षड्यंत्र है, दुष्प्रचार है, और हम कभी भी किसी भी मजहब के भगवान, किसी भी धर्म गुरु के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। हमारे मन में सबके प्रति श्रद्धा है, सबके प्रति सम्मान है। मौला अली के बारे में हमने जितना पढ़ा समझा, वो अहिंसा के पुजारी है। इस वीडियो को मौला अली से जोड़ा, जो चूंकि दुष्प्रचार है, और इसके लिए अगर किसी को दुख पहुंचा, हमें खेद है, मन में हमारी भी भावनाएं दुखित हैं, हमको भी दुख हुआ। इस प्रकार से नहीं जोड़ना चाहिए, उनके भगवान भी उनके लिए सर्वोपरि है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसके लिए अगर किसी को ऐसा लगता तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, परंतु मौला अली के लिए हमने ऐसा नहीं कहा, वो तो अहिंसा के पुजारी है। एक जिन्न कोई नाम रख लेता, जिन मैं फलाना हूं, मैं ढिकाना हूं, एक उस बुरी ताकत के खिलाफ जो बुरी शक्ति थी, नकारात्मक ऊर्जा थी, वो आई थी किसी के बॉडी पर, वह चर्चा कर रही थी, तब हमने कहा कि बड़े बूढ़े शायद इसलिए कहते थे कि पहले तोलो और फिर बोलो, क्योंकि बिना सोचे समझे बोलकर व्यक्ति अपनी जबान से ना सिर्फ दूसरों को आहत कर देता है बल्कि खुद को भी शर्मिंदा होना पड़ जाता है। इस सारे घटनाक्रम में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें।